Okay, so we are starting with new chapter, spherical mirrors. Okay, till now we have discussed plane mirrors. Abhi tak humne sirf plane mirrors dekhe the. We have plane mirrors discuss kiye the, jisme bilkul plane hai mirror. Okay, ab hum discuss kar rahe hain spherical mirrors. Yani ki ek sphere hoga, uska ek part hoga mirror. Okay, ek spherical mirror yani ki ek sphere hoga. और उसका एक पार्ट ले लेंगे हम. ओके, मान लो कि जैसे ये बॉल है, ये बॉल एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक पार्ट ले लेंगे, इसको इससे काट देंगे तो आपको एक छोटा सा बॉल जैसा शेप मिल जाएगा, बाउल जैसा, इस तरह से एक शेप मिल जाएगा. ओके, अब हम इसको या तो अंदर से सिल्वर कर दें, अगर अंदर से सिल्वर कर दें तो रिफ्लेक्शन बाहर से हो जाएगा, या फिर हम बाहर से इसको सिल्वर कर दें ताकि रिफ्लेक्शन अंदर से हो गया. डिपेंडिंग ऑन दिस स्फेरिकल मिरर्स आपके दो तरह के हो जाते हैं. ओके, सो ये हम डिस्कस करने वाले हैं. तो हम सबसे पहले एक स्फीयर लिया. ओके, उसका एक पार्ट कट कर दिया. ओके, सो ये एक तरह से बाउल जैसा शेप आ जाएगा आपके पास, और इसी को हम स्फेरिकल मिरर बनाने वाले हैं. ओके, कैसे, ये बाउल जैसा शेप आ जाएगा आपके पास इस तरह से. ओके, अगर हम बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दे, यानी कि उसको हम सिल्वर कर देते हैं. ओके, आउटर को हमने सिल्वर कर दिया, सो आपका मिरर कुछ ऐसा दिखेगा फिर आउटर को करते. तो अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, ये इसके अंदर से होगा, इनसाइड से होगा, इसमें जो केव सा फॉर्म हो रहा है उससे हो रहा है. सो मेनली इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर. ओके, सो स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स. कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स. ओके, कॉनकेव कब होगा, अगर आपने इसके बल्जिंग पार्ट है, जो आउटर पार्ट है, उसको सिल्वर कर दिया तो आपका रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होगा, आपका रिफ्लेक्शन इसके इनर पार्ट से होगा, तब उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं. अगर आपने इसका इनर पार्ट है उसको आपने पॉलिश कर दिया, यानी उसको आपने सिल्वर कर दिया है, तो आपका रिफ्लेक्शन कहां से होगा, आउटर पार्ट से. इस बार हम इनर पार्ट को सिल्वर कर रहे हैं, तो आपका रिफ्लेक्शन जो बल्जिंग पार्ट है, आउटर पार्ट है, वहां से आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह से. इस मिरर को हम कॉनवेक्स मिरर कहते हैं. ओके, सो याद रखने का यही तरीका है, कॉनकेव मतलब कॉनकेव, केव जैसा फॉर्म हो जाए. सो ऐसे आप मिरर देखते हैं, केव जैसा फॉर्म हो जाता है, रिफ्लेक्शन अंदर से स्टार्ट हो रहा है, अंदर से होता है इनर पार्ट से, तो ये आपका कॉनकेव मिरर होगा. रिमेनिंग ये कॉन्वेक्स मिरर होगा जिसमें आउटर पार्ट से होगा रिफ्लेक्शन. ओके, ये दो चीजें क्लियर हो गई, कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर. ओके, फिर कुछ टर्म्स है रिलेटेड टू दीज मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स है, उनके रिलेटेड कुछ टर्म्स है वो हम देखते हैं. तो पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? ओके, फर्स्ट आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर. एक तरह से सेंटर किसका, सेंटर ऑफ कर्व. कौन सा कर्व, अगर आप देखते हो आपने जो मिरर ड्रॉ किया है, जो भी आपका मिरर है, ये हो कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर. ओके, ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट है, ये एक तरह से कर्व हो गया, एक तरह से कर्व हो गया, ये एक जो कर्व है, जो कर्वेचर आ रहा है, जो कर्व आ रहा है इसका, ये एक मिरर का पार्ट है, और मिरर का जो सेंटर है, यानी कि जो मिरर का सेंटर है वही इस कर्व का सेंटर है. आप क्या कर सकते हो, कंपास में ले लो, इस सेंटर से ये डिस्टेंस रखो, अगर आप इसको ड्रॉ करते हो तो आपको ये कर्व मिल जाएगा, यानी वो मिरर में इस तरह से मूव होगा. ओके, ये क्लियर हो गया आपको. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन कैसे करेंगे, इस कर्व का सेंटर, यानी कि ये सेंटर किसका हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऑफ द स्फीयर हूज दिस मिरर इज ए पार्ट, हूज दिस मिरर इज ए पार्ट, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. ओके, ये क्लियर हो गया आपको, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर हम कैसे डिफाइन करेंगे, मिरर, ओके, द स्फीयर
द सेंटर ऑफ द स्पीयर हुज दिस मिरर इज ए पार्ट, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं. ओके ओके, एक बार फिर से देख लो. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? पहले हमने प्लेन मिरर्स डिस्कस किए थे, अभी हम स्पेरिकल मिरर डिस्कस कर रहे हैं. यानी स्पेरिकल मिरर मतलब स्पीयर का पार्ट है. जो स्पीयर मतलब एक बॉल हो गई, यानी अर्थ हो गया शेप, इसको भी हम ज्यादा स्पेरिकल कह देते हैं. ओके, ऐसे जियोड कहते हैं अर्थ शेप को, स्पेशल जो अर्थ टाइप है तो जियोड. स्पीयर ये हो गया एक स्पीयर. अब मिरर बनाने से हमने क्या किया, इसको कट कर लिया, इस तरह से कट कर दिया तो आपके बॉल शेप जैसा आ जाता है, बॉल शेप. ओके, अब अगर आप इस मिरर के आउटर पार्ट जो बल्जिंग पार्ट है उसको पॉलिश कर देते हो, इसको पॉलिश कर देते हो तो आपको एक केव जैसा स्ट्रक्चर मिल जाता अंदर, और रिफ्लेक्शन अब अंदर से होगा. इसको हम कॉनकेव कहते हैं. ओके, केव केव जैसा स्ट्रक्चर. कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो आउटर पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, ओके, वहां से तो रिफ्लेक्शन होगा, इनर पार्ट को हम पॉलिश कर देते हैं, इनर पार्ट को हम सिल्वर कर देते हैं. ओके, पॉलिश इज सिल्वर, ज्यादा ठीक वर्ड है. कि रिफ्लेक्शन अब आउटर पार्ट से होगा, बाहर से होगा, इसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं. ये दो चीजें क्लियर हैं. फिर हम कुछ टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि स्पेरिकल मिरर्स के रिलेटेड टर्म्स देख रहे हैं. पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्व हो गया, कोई भी एक कर्व हो उसका सेंटर कहाँ है. यानी कि आप इस सेंटर से अगर ये रेडियस लेके ड्रॉ करते हो सो उस कर्व को पूरी तरह से वो ओवरलेप कर जाए इस तरह से. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये कर्व किसका पार्ट है, एक स्पीयर का ही तो पार्ट है. अगर आपने ये स्पीयर लिया, इसको यहां से कट किया, सो ये जो कर्व मिलेगा आपको, ये है तो इस स्पीयर का ही पार्ट. सो जो इस स्पीयर का जो सेंटर होगा, जो बीच में सेंटर होगा, वही इस कर्व का सेंटर हो गया, वही एक तरह से इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लेते हैं. ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्पीयर हुज दिस मिरर इज ए पार्ट. ओके, हुज दिस मिरर इज ए पार्ट. अब देखो, अगर आप सर्किल ड्रॉ करते हो ऐसे सेंटर, यहां से कोई भी एक लाइन ड्रॉ करो, सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, वैसे से सारी रेडियस होगी, सारी इक्वल होंगी. और ये सारी रेडियसेस जो भी आप लाइन सेंटर से इस पे डाल रहे हो सर्कमफेरेंस पे, ये सारी सर्कमफेरेंस के परपेंडिकुलर है. देख लो ऐसे जाया, यहाँ देखो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना. यानी कि आप जो भी लाइंस ड्रॉ करोगे सेंटर से सर्कमफेरेंस पे, वो हमेशा इस कर्व के नॉर्मल होगा, परपेंडिकुलर है. सो आप सेंटर से कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, तो ये इसके नॉर्मल होगा. या फिर आप ऐसा कह सकते हो, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करो, कोई भी लाइन आप कर्व के नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो वो हमेशा सेंटर से पास होगी, वो हमेशा सेंटर से पास होगी इस तरह से. ये चीजें क्लियर है दोनों तरफ से. ये कर्व है, ये एक मिरर है एक तरह से हमारा, ये हो गया कॉनकेव मिरर. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इस स्पीयर का सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. अब इससे सेंटर से कोई भी लाइन पास होगी वो हमेशा नॉर्मली मीट करेगी मिरर को, या फिर उस कर्व को, वो हमेशा नॉर्मली मीट करने वाली है. ओके, या फिर ये कह लो कि कोई भी पॉइंट ले लो सर्कमफेरेंस पे मिरर पे, अगर वहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर है? ओके, यस सर. ओके, ये आपका कॉनकेव मिरर का हो गया. कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से है, ये तो कॉनकेव मिरर था. कॉन्वेक्स मिरर सर्किल ड्रॉ कर दो, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में पीछे की तरफ होगा मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर एक तरह से, है ना. हम उससे इक्विडिस्टेंस यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे मान लेते हैं, मिल लिए पीछे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर में. जिसका ये पार्ट है उसका सेंटर होना चाहिए. ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया. ओके, इसके बाद में रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लो. रेडियस ऑफ कर्वेचर वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो इस कर्व का रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ स्पीयर हुज दिस कर्व इज ए पार्ट. कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये स्पीयर हो गया एक तरह से बॉल शेप. ओके, जो भी इसका रेडियस है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके यहां तक जो भी ये डिस्टेंस है, जो भी इस स्पीयर का रेडियस है वही इस कर्व का रेडियस है. ओके, सो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं.
और कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, ये स्पेयर बन गया एक तरह से। अब जो इस स्पेयर का रेडियस है वही आपका कॉन्केव मिरर का रेडियस है, है ना, इसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और कोई भी पॉइंट ले लो कर्व पे, मिरर पे, वो डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। दो चीजें क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट इज पोल। ओके, पोल इस तरह से देख लो, आपका जो इस तरह से बॉल शेप आएगा पूरा, ये एक तरह से आप देखोगे आपका मिरर कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, इस तरह से आपको मिरर दिखाई देगा, है ना। अब इस मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, आप सामने से देखोगे तो मिरर को एक सर्कल सा दिखेगा, है ना, अगर सामने से देखोगे ऐसे सर्कल सा, कॉनकेव है तो इसमें डेप्थ से ऐसे दिखेगी, डेप्थ होगी इसकी, और इसका जो भी सेंटर होगा जो मिरर पे यहां लाई करेगा उसको हम पोल कहते हैं, उसको हम पोल कहते हैं। आप क्रॉस सेक्शन अगर इस तरह से देखते हो, ये एक तरह से मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर, तो पोल यहां पे लाई करेगा, ये पॉइंट आपका पोल है। पोल क्लियर हो गया, तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द पोल, तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल, जहां मन करे। तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर उसको हम पोल कहते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, ये हमेशा मिरर पे लाई करेगा, ये हमेशा मिरर पे लाई करेगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, ये कॉनकेव मिरर है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इस स्पीयर का सेंटर है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस हो गया ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जो इस स्पीयर का रेडियस है वही इसका रेडियस हो गया। ओके, पोल, ये पोल हो गया, तो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर है। ओके, कॉन्वेक्स में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जिसका भी ये जो स्पीयर है इसका जो सेंटर है वो इस कर्व का सेंटर है। ओके, और ये आपका पोल हो गया और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में वो रेडियस ऑफ मीटर इज द पार्ट, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ओके, और एक चीज और हमने जो डिस्कस किया, अगर आप कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हो मिरर पे, वो हमेशा उसके नॉर्मल होगी, है ना। आप सर्किल में भी अगर ऐसे ड्रॉ करते हो वो हमेशा नॉर्मली मीट करेगी, वो नॉर्मल होगी, या फिर कोई भी लाइन आप कोई भी पॉइंट ले लो वहां से नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो उस पे, तो वो हमेशा सेंटर से पास होगा। ओके, कोई भी लाइन आप कर्व के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो तो हमेशा वो सेंटर से पास होगी। ओके, या ऐसे कह लो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए मिरर पे मीट करेगी वो हमेशा नॉर्मली मीट करेगी मिरर पे। ओके, कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे। ओके, सो ये नॉर्मल होगी, या फिर यहां से ड्रॉ कर दो, ये हमेशा नॉर्मल होगी। ओके, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और थर्ड पोल भी हमने डिस्कस कर लिया, पोल ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, ये हमेशा मिरर पे लाई करेगा, ये पोल है आपका मिरर पे बीचों बीच, यहाँ पे ये पोल है कॉन्वेक्स मिरर पे, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर प्रिंसिपल एक्सिस रहता है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, एक तरह से वो उस मिरर की एक्सिस हो गई, है ना। अगर आपने मिरर लिया उसको कुछ ऐसे रखा तो उसका पोल तो यहाँ सेंटर में लाई कर रहा है, उससे एक एक्सिस डाल दो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है उससे एक लाइन डाल दो, तो एक तरह से वो एक्सिस हो जाएगी उसकी। आप देखो तो ऐसे हो जाता है, अगर मान लो ये आपका मिरर साइस से दिखेगा, ये पोल यहाँ कहीं लाई होगा, आपको ऐसा कुछ दिखेगा, है ना, मिरर उसमें से पोल घुमा दो गोल गोल, वो गोल गोल घूम जाएगा, है ना, लट्टू की तरह। So, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं लाई करेगा, ये आपका पोल यहाँ लाई करेगा जो मिरर पे होगा, है ना, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ओके, हमने पोल डिस्कस कर लिया,
principal axis. The line joining the center of curvature and pole is called as principal axis. उसे हम principal axis कहते हैं. Principal axis. यानी कि important line जो है. ये pole हो गया, ये center of curvature. ये जो line है, ये आपकी principal axis कहलाएगी. ये आपकी line principal axis कहलाएगी. दूसरा एक aperture होता है. Aperture ये डिस्टेंस, ये एरिया. जैसे आपने ये मिरर हो गया, सो लाइट कहां से एंटर होगी? ये एक सर्कल सा बनेगा इस तरह से. ओके, लाइट यहीं से एंटर होगी ना, तो ये अपर्चर हो गया. ओके, द सरफेस एरिया थ्रू विच लाइट इज एंटरिंग. कितना सरफेस आपका जहां से लाइट एंटर, उसका अपर्चर हो गया. अगर मिरर में ऐसे छोटे छोटा कर देता हूं, सब अपर्चर कम हो गया, बड़ा किया तो अपर्चर बढ़ गया. ये समझ रहे हैं कि अपर्चर. ओके, जैसे हम ट्यूब नहीं है, जैसे ये है, तो इसका एक तरह से ये अपर्चर हो गया जहां से लाइट एंटर होगी. ये जो सरफेस एरिया है ना, ये अपर्चर हो गया, इससे लाइट एंटर होगी. अगर इसको छोटा कर देते हैं तो छोटा अपर्चर हो जाएगा. ओके, तो ये चीजें देखें. हमने ये पांचों हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं. सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फिफ्थ है आपका अपर्चर. ओके, ये क्लियर है अच्छे से. ओके, फिर इसके बाद में हमने कुछ फिर रिफ्लेक्शन देख रहे थे हम. यदि डाउट हो तो पूछ लेना. ओके, यस सर. अभी तक जो भी पढ़ा है वो क्लियर है सभी को? क्लियर है. ओके, अब हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं मिरर से कैसे हो रहा है. रिफ्लेक्शन के जो लॉज है वो सेम रहते हैं हमेशा, चाहे कहीं भी रिफ्लेक्शन हो जाए, चाहे पहाड़ पे हो, चाहे नदी में हो, चाहे समुद्र के नीचे हो, रिफ्लेक्शन के लॉज चेंज नहीं होंगे. चाहे वो सूरज पे क्यों ना हो, रिफ्लेक्शन जाके वो चेंज नहीं होंगे. ओके, सो वो यूनिवर्सल लॉज है, तभी तो वो लॉ है. वरना वो थ्योरी रह जाती. ओके, सो हम कॉनकेव मिरर का देख रहे हैं पहले. ओके, इसका सेंटर यहाँ के लाइक कर रहा है. कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? हमने स्पीयर लिया, उसे हाफ कट नहीं, हम कहीं से भी काट सकते हैं इसको, चाहे छोटा सा यहां से काट दो तो एक स्लाइस सा बन जाए, एक तरह से ऐसा सा कुछ बन जाता है ना. यहां से काटो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, अपर्चर बढ़ता जाएगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम रहेगा क्योंकि उसी इसी का पार्ट ले रहा हूं. ओके, बड़ा बड़ा बोल लोगे तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का उसका डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा. ओके, हमने इसको ऐसे काट दिया तो आपको एक तरह से इस तरह का कुछ मिल जाएगा ना, बाउल जैसा. ओके, मैं एक दिन सोच रहा था काटने को, टाइम नहीं मिला मुझे, इस तरह का कुछ शेप मिल जाएगा. अब अगर मैं ये जो आउटर पार्ट है उसको सिल्वर कर देता हूँ, सब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? अंदर से होगा, है ना, इस वाले पोर्शन से होगा. ठीक है, सो इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, इसे तो कॉनकेव कहते हैं. कॉन्वेक्स में क्या होगा? जो इनर पार्ट है उसको सिल्वर कर दो, ऐसा कुछ मिल जाए. अब रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, लाइट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह से होगा. ओके, तो अभी हम कॉनकेव मिरर देखें पहले, इसमें हम रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे. ओके, रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सारे फॉलो होंगे. तो कोई भी रे आ रही, मान लिया हमने कोई भी रे ले ली. ओके, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लें हम? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं. ओके, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. कोई भी एक रे आ रही है यहाँ पे, जैसे ये रे आई, मिरर, हाँ, ऐसे तो हम जो सिल्वर फॉइल है वो भी रिफ्लेक्ट करती है कुछ कुछ, है ना. एक तरह से तो मेनली रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? ग्लास से नहीं हो रहा है वो रिफ्लेक्शन, पीछे सिल्वर ही कर रहे हैं रिफ्लेक्शन, हो तो वहां से रहा है, नहीं है ना. जैसे आपने प्लेन ग्लास लिया था, ओके, ऐसे प्लेन ग्लास ऐसे होता मेनली. ओके, फिर आपने ये पार्ट जो है इसको सिल्वर कर दिया था और फिर प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा दी. फिर कोई भी रे ऐसे इंसिडेंट हुई, रे इंसिडेंट हुई, तो यहाँ से हल्का फुल्का तो रिफ्लेक्शन हो ही रहा है ना.
मान लो ये 100% मान रहे हैं, 100% ऑफ लाइट एनर्जी आई, उसमें से यहाँ 5% तो रिफ्लेक्ट हो ही गई है। जैसे आप मिरर मोटा कांच हो, उससे पीछे मिरर वो सिल्वरिंग आप देख सकते हो, एक धुंधली सी इमेज भी दिखती है आपको, है ना, और एक ब्राइट इमेज दिखती है। धुंधली इमेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली है, जो डल इमेज दिखती है ना आपको, ब्लर, एकदम ब्लर्ड, वो लेस इंटेंसिटी वाली, वो आपको ये वाली रिफ्लेक्शन दिख रही है, वो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है। ओके, यानी कि इसका वो पीछे करके वो सारा, ठीक है। और दूसरी क्या होगा फिर, यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, चेक किया। अब मान लो कि इसने 5% ग्लास ने अब्सॉर्ब कर लिया, बचा कितना, 90% ऑफ एनर्जी। 90% ऑफ एनर्जी यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। सब मान लेते पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, ये हो गई 5% फिर ऑब्जर्व हो गया, और कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन इसका भी हो गया और ये ऐसे आ गया। सो मान लो 83 या 87% ये आ गई। सो मेनली आपको इमेज कहाँ दिखेगी, ब्राइट वाली, तो यहाँ से दिखेगी, जब ये वाली रे आपकी आंखों में जाएगी, है ना। सो रिफ्लेक्शन इससे हो रहा है, मेन सिल्वर वाले से, जो सिल्वर लाइनिंग है ना उससे रिफ्लेक्शन हो रही है। ओके, सो मेनली हम इसको कैसे कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा ऐसे बना देते हैं ना, हम थिकनेस को नेट जीरो मान लेते हैं, रिफ्लेक्शन को जीरो, इस ग्लास से जो रिफ्लेक्शन उसे जीरो मान लेते हैं, सीधा ऐसे बना देते हैं, है ना, ये हो गया क्लियर। सो मेनली जो रिफ्लेक्शन हो रही है पीछे वाले पार्ट से हो रही है, सिल्वर ही से, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द मिरर उससे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इससे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन है फर्स्ट या सेकेंड है, 7th A में, आज किसी ने पूछा था 9th JS में डाउट। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, यस सर, अब देखो। सेकंड। ओके, यस, सेकंड क्वेश्चन है ये। ओके, सो अब देखो, ये रे यहाँ स्ट्राइक हुई, अब ये लॉस तो फॉलो सारे करने वाले हैं ना। सो ये क्या हो गई, आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी इंसिडेंट रे है ब्लैक वाली, है ना। और जहां पे स्ट्राइक किया वो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें हम, हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे नॉर्मल होगी, है ना, तो ऐसे ड्रॉ कर दो। ओके, ये इस कर्व के नॉर्मल होगा। सो ये ग्रीन वाली लाइन आपकी नॉर्मल है एक तरह से हमेशा, क्योंकि हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो उस कर्व पे, वो उसकी हमेशा नॉर्मल होगी। ओके, और ये डिस्टेंस का रेडियस कर्वेचर ही तो है एक तरह से, यहाँ से लेके ये भी तो रेडियस कर्वेचर, सारा सब परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल है यहाँ पे, है ना। ओके, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज फर्स्ट लॉ। तो आपने सेम एंगल पे ड्रॉ किया और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गई, है ना, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, या फिर एंगल आर इक्वल टू एंगल आई, ये दोनों इक्वल होंगे, इस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। लो फॉलो करने हमेशा, आप एक रे स्ट्राइक हुई यहाँ पे सरफेस पे, नॉर्मल ड्रॉ कर लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको मिल गया नॉर्मल, ये हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होती है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक होने सेम एंगल ये बनाए किधर, नॉर्मल किधर, ये हो गए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्लियर हो गया, क्लियर है। ओके, ये हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हर एक के रे बनाएंगे, तो लेकिन ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये तो ऐसे इनफाइनाइट रेज आएंगी और हर एक रे के एक नॉर्मल बनेगी, उसके लिए हर एक के लिए एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, इस तरह से ऑब्जेक्ट दिखता है हमें, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आप कॉनकेव मिरर में देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज आएगी, हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज मानते हैं, वो इनफाइनाइट रे है। ओके, कॉनकेव मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में ये हम पोल मान लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, चलेगा। ओके, ये आपका पोल हो गया। ओके, इस बार इनर सरफेस को हमने सिल्वर कर दिया और रिफ्लेक्शन आपका आउटर से हो रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नॉर्मल ऐसे आई, ठीक कॉन्वेक्स वाले, हमारे जो रियर व्यू मिरर है उसमें भी कॉन्वेक्स होता है, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाए, ये सब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। प्लेन मिरर के मुकाबले ज्यादा बेटर है, फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज हो जाता है हमारी। ओके, सब कोई भी रे मान लो, हम इंसिडेंट कर रहे हैं, ब्लू से इंसिडेंट करा देते हैं। ओके, कॉन्वेक्स,
ओके, इमेज कैसे दिखेगी? आप रियर व्यू मिरर में आप देखोगे कैसे दिखती है आपको, छोटी दिखती है, तो बस वही है, इसमें हमेशा छोटी इमेज दिखती है, और इरेक्टेड इमेज दिखती है, सीधी सीधी टेढ़ा नहीं उठा नहीं हो जाते, और छोटी दिखेगी हमेशा, डिमनिश इमेज होगी इसमें, चाहे आप कितना दूर चले जाए कितने पास चले जाओ, डिमनिश इमेज होगी। आप जैसे जैसे उसे पास आते जाओगे आपकी इमेज साइज बढ़ती जाएगी, लेकिन अभी भी आपसे छोटी है ना, इसमें हमेशा डिमनिश इमेज फॉर्म होती है और हमेशा वर्चुअल होगी, ओके, बिहाइंड द मिरर, ओके, इरेक्टेड इमेज। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, ये सारे डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी है ये सब। ओके, कोई भी एक रे ले लो, मान लो ये रे ले ली मैंने, इंसिडेंट हो गई, कैसे भी हो सकती है, ऐसे इंसिडेंट करा दो, कैसे भी इंसिडेंट करा दो, इंसिडेंट रे, ओके, जहां पे स्ट्राइक किया वो क्या हो गया आपका, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट हुआ वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करनी है, नॉर्मल यानी कि इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल, सो हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ से जो भी लाइन पास होती है वो हमेशा ये नॉर्मल हो गया, ये देखना ये लाइन इस मिरर के नॉर्मल है हमेशा 90 डिग्री हुआ इस पॉइंट पे, ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा हो गया, ये आपका एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो बनाते हैं उसे हम इंसिडेंस एंगल कहते हैं, ओके, फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, सेम एंगल पे होगा, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई रेड वाली, और ये एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ओके, ये रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ तो हमेशा सही चल रहा है, ये एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये बोर्ड एक प्लेन ही तो है, इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे कोई रे आई, ये मिरर होगा, ऐसे रे आई ऐसे चली गई, सो ये एक प्लेन है ना, कोई ऐसे आई और ऐसे चले गए, सो वो भी तो एक प्लेन में लाई करती है सारी, है ना, ओके, सो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रे आ रही है वो इधर से कन्वर्ज हो रही है ना, ओके, ये हम और देखें ध्यान से, यहाँ पे जो भी रेज आ रही है वो फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, ओके, डाइवर्ज हो रही है, ये सब हम देखने वाले हैं बाद में, ये क्लियर हो गया, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा हर रे के लिए। तो ऐसे ही हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे उसके इमेज निकालने वाले हैं, ओके, या तो ऐसे करें या ऐसे, इस तरह से कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओके, लेकिन हम एक एक फायदे में है, हमें कुछ रेज हैं यानी जो कैसे इंसिडेंट हो उसके बाद में उनकी रिफ्लेक्टेड रे कैसे होगी वो पता है ऑलरेडी, कुछ रेज का हमें ऑलरेडी पता है, ओके, सो हम वो स्टैंडर्ड रेज लेंगे उनमें से, जैसे हर एक ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज आ रही है उसमें से हम कोई भी दो स्टैंडर्ड रेज ले लें जिनका हमें ये पता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ जाने वाली है, तो उस ऑब्जेक्ट से, उस पॉइंट से हम दो दो रेज ले लेंगे, ऐसी रेज जिनका हमें बिहेवियर पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो रेज कैसे जाएंगे, तो हमें ऐसी दो इंसिडेंट रेज चूज करनी है, और जहां पे भी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में मिलेंगी वो आपको उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा यानी उस पॉइंट का इमेज फॉर्म हो जाएगा वहां वो उसकी, ओके, ये दोनों चीजें क्लियर है ना अच्छे से, ओके, सो हम अब भी कुछ रेज डिस्कस करेंगे जिनका हमें ऑलरेडी बिहेवियर पता है कि वो रिफ्लेक्शन होने के बाद में कैसे बिहेव करने वाली, ओके, फोकस रह गया हमारा पहले, ओके, फोकस और फोकल लेंथ देख लेते हैं पहले, फिर हम वो रेज देखते हैं, ओके, फोकस भूल गया मैं, फोकस एक तरह से फोकस होना, आपको कहते हैं ना स्टडी से फोकस करो, यानी आपका ध्यान एक जगह केंद्रित करो, यू हैव टू फोकस एट सम पॉइंट, ओके, सो अगर हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, ओके, ये आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ओके, ये इसका पोल हो गया, मैं सिर्फ इस बार इतना सा ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा ड्रॉ करना होता है इस वैसे लाइंस, ओके, अब फोकस हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक बीम ऑफ लाइट है, कैसी बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी जो लाइट का बीम, बीम यानी कि काफी सारी लाइट्स आ रही हैं एक साथ, रेज आ रही हैं, ग्रुप ऑफ लाइट रेज, ओके, काफी सारी रेज आ रही हैं, बीम ऑफ लाइट हो गया, वो कैसी बीम आई है, पैरेलल रेज का है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी जो रेज है वो पैरेलल है, ओके, इतनी रेज काफी है, आप कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके, ठीक है, अब
ये सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से पास होंगे, ये जहां जिस पॉइंट पे मिलने वाली है वो फोकस होता है। देखो क्या होने वाला है रिफ्लेक्ट होने के बाद में, जादू जैसा कुछ हो जाएगा। तो पहले तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ग्रीन से कर लेते हैं। ओके इस बार रेड से बना दी इंसिडेंट पे, ठीक है। तो यहां से नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, यहां पे ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्लियर है, ड्रॉ करना। ओके अब इसके बाद में देखो रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। ये हो गया, ये और ये एंगल सेम होंगे, I1, R1 सेम होंगे, ये यहाँ है दूसरा। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, अब इतना कम है थोड़ा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा और ये रे ऐसे पास हो जाएगी। ओके थर्ड देखो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके ओके सो लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वही रिवाइज कर रहे हैं हम अभी। ओके सो अभी तक हमने देख लिया कि स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अगर आपका आउटर पार्ट है उसको पॉलिश कर देते हैं हम, उसको सिल्वर कर देते हैं, इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा कॉनकेव हो गया। और अगर हम इनर पार्ट को पॉलिश कर देते हैं और आउटर पार्ट जो बल्जिंग पार्ट है वहां से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल कर्वेचर वो कर्व, यानी मिरर एक कर्व ही है। अब ये जिस स्फीयर का पार्ट है, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट उसका जो सेंटर है वही आपका सेंट्रल कर्वेचर हो जाएगा, इस कर्व का सेंटर, ठीक है। सेंट्रल कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मिरर जिस स्फीयर का पार्ट उसका जो रेडियस है, यानी सेंट्रल कर्वेचर से लेके मिरर पे कोई भी पॉइंट ले लो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। इसके बाद हमने क्या देखा था, पोल ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर, जो उस पोल पे लाई, उस पे लाई करेगा मिरर पे सेंटर पे, है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर उसे हम पोल कहते हैं। ओके ये पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। ओके अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप कोई भी लाइन पास करे मिरर पे वो हमेशा नॉर्मली मीट करेगी, उससे हमेशा नॉर्मल होगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन कर दो वो हमेशा उसके नॉर्मल, ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होगा, है ना। ओके ऐसा ही कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप ड्रॉ कर दो इस तरह से, ये नॉर्मल होगी। ओके फिर हमने क्या डिस्कस किया था, रेडियस कर्वेचर होगा प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल को कंटेन करती है, रेडियस कर्वेचर जो ये जिस स्फीयर का पार्ट उसका रेडियस ही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ओके ठीक है फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए थे कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके अभी हम फोकस डिस्कस कर रहे हैं, फिर फोकस के लिए हमने क्या लिया, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रहा है मिरर को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज है स्ट्राइक कर रही, हर एक जगह हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ओके अब रिफ्लेक्शन के बाद में ये इक्वल हो गया, यहां से भी रिफ्लेक्शन होने के बाद में ऐसे पास हो जाएगी, फिर थोड़ा सा ये नॉर्मल आपको यहां से भी ऐसे पास हो जाएगा। ओके सो ये रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो सब एक जगह मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस एक जगह मीट कर रही है, वो पॉइंट क्या है उसी को हम पॉइंट कहते हैं, फोकस कहते हैं, वही आपका फोकस है। तो बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट, वो पॉइंट क्या कहलाता है, वही फोकस है। ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है यानी इसमें जो लाइट रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक्स द मिरर या फिर इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे मीट कर रही है, वो पॉइंट क्या है, वो फोकस हो गया, ये है कॉनकेव मिरर का। सो ये फोकस होगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें, फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में लाई करता है, यानी कि यहां से लेके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, रेडियस कर्वेचर क्या हो गया, इसका जो कर्व का रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब FP कितना हो जाएगा, FP लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये फोकल लेंथ होती है, ये हम आगे डिस्टेंस करेंगे, फोकल लेंथ क्या हो गई, पोल से फोकस का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ हो गया।
ओके सो फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस कर्वेचर की हमेशा हाफ होती है, उसकी हाफ होती है रेडियस कर्वेचर की. ओके ये क्लियर है. अब हम कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं. पता नहीं ये कंप्लीट हो जाए फिर वहां तक कॉनकेव का कंप्लीट करेंगे सिर्फ आज. देखते हैं अभी चलते हैं. ओके सो कॉनकेव मिरर थोड़ा सा बढ़ा के फिर छोड़ूंगा ताकि फिर आप रिवाइज कर लोगे और फिर देख लेना ठीक है. ये कॉन्वेक्स मिरर है. ओके इसका फोकस कैसे होगा, ठीक है रेडियस कर्वेचर यहाँ होगा. ओके सी अब इंसिडेंट रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी. अच्छा रेडी लेते हैं अभी. इंसिडेंट हो रही है. ओके इंसिडेंट हो रही है ठीक है. एक रे आप यहां से भी मान सकते हो. ओके जो रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जा रही है वो वापस इसी पाथ पे ट्रेस कर जाएगी है ना. क्यों, अगर रे ऐसे आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना. इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है क्योंकि ये नॉर्मल है. सो नॉर्मल पे वो स्ट्राइक कर रही है जैसे, तो वो जीरो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो रे आप वापस ट्रेस पाथ बैक कर जाए, यहाँ पे जो भी रे आएगी वो वापस इसी पाथ पे ट्रेस कर जाएगी है ना, क्योंकि नॉर्मली स्ट्राइक करी. जो भी रे नॉर्मली स्ट्राइक करती है सरफेस को तो नॉर्मल से उसका एंगल कितना बनाएगा, जीरो. वापस वही पाथ ट्रेस कर जाती है. ओके सो यहाँ स्ट्राइक कर रही है. अब आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है. यहाँ पे नॉर्मल कैसे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, यहाँ से लाइन आएगी ऐसे, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल और ये नॉर्मल हो गया है ना. तो अगर आप सबको पीछे ही ट्रेस करोगे ना नॉर्मल से, सब यहाँ मीट करेंगे. ओके अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके मान लो ये यहाँ मीट कर दिया, ये रे इस तरह से जाएगी, दूसरी रे इस तरह से जाएगी, तीसरी रे इधर जाएगी, चौथी रे यहाँ जाएगी. अब वो क्या हो रहा है, सब रेस डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है. यहाँ पे सब रे क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, इस पॉइंट पे कन्वर्ज आके मिल रही थी सर, और यहाँ सब इससे दूर जा रही है. सो इस मिरर को हम क्या कहते हैं, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉनकेव मिरर को, क्योंकि वो रेस को कन्वर्ज करता है, फोकस कर देता है एक जगह. ये सबको डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है रेस को. ओके सो आपको जब भी कोई रेस यानी फोकस लाइट होता है उसमें कॉनकेव मिरर यूज होगा, क्योंकि रेस एक जगह फोकस हो जाए. वो डाइवर्ज करना है, नहीं फैलाना है, स्प्रेड करना है, तो ये तो इसलिए मिरर मेनली आपकी स्ट्रेट लाइटनिंग में यूज होता है. यहाँ पे यहाँ बल्ब लगा दिया, पीछे मिरर लगा दिया, सो वो स्प्रेड ज्यादा एरिया में हो जाता है. ओके सो ये डाइवर्जिंग. अब यहाँ पे इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ये कहाँ मिल रहे हैं, ये कभी नहीं मिलने वाले. ओके तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे ट्रेस करते हैं. पीछे आप ट्रेस करोगे इस तरह से, ये बनाओगे लाइन. ओके थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, ये सारी इस पॉइंट में मीट कर रही है ना. सो ये आपका क्या हो गया, ये फोकस है. इस समय पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट. वाकई में नहीं मिल रही है, वो अपीयर टू मीट. आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा इस हाईलाइट यहाँ से आ रही है, आप कौन के मीटर कॉन्वेक्स में, तो ये लगता है जैसे उस पॉइंट से लाइट्स आ रही है सारी, जबकि वहां से आ नहीं रही है वो वाकई. सो ये आपका फोकस हो गया. वही चीज सेम चीज है, फोकस हमेशा पोल और सेंटर के बीच में लाई करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की. ओके सो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है तो फोकल लेंथ आर बाई टू. ये क्लियर हो गया. ओके सो ऑलरेडी हमने देख लिया था कि कोई भी रे होगी तो वो एक तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करने वाली हर जगह है ना. ओके अब हम जब रे डायग्राम्स बनाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे इनफाइनाइट रेज का इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट पे, और हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट रेज आती है, इंसिडेंट रे जो निकल रही है यानी वहां से जो रेज आएंगे उन्हें हम इंसिडेंट ही मानेंगे, इंसिडेंट करने वाली है. अब इनमें से हमें सिर्फ दो रेज लेनी है, कोई एक पॉइंट लिया उस पॉइंट का इमेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे उस पॉइंट से आने वाली कोई भी दो रेज ले लेंगे. ओके अब उनमें से हम कोई दो रेज ऐसी लें जिनका हमें ऑलरेडी बिहेवियर पता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे बिहेव करने वाली है, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें हर बार नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा. अगर हमें ऑलरेडी पता है कि वो दोनों रेज रिफ्लेक्शन होने के बाद में कैसे बिहेव करने वाली है, तो हम इजिली ड्रॉ कर पाएंगे, हमें बार बार नॉर्मल ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उससे बच जाएंगे.
तो ऐसे हम पांच रेज जानते हैं, है ना? ओके, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसी कौन सी कन्वीनियंट रेज हैं, ऐसी रेज कौन सी सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है जिनको हम ड्रॉ कर लें ताकि उनका रिफ्लेक्शन इजीली हम पता कर सकें, यानी वो कौन सा पाथ फॉलो करेंगे. अभी देखो उसको डिस्कस होगा, आज अभी होगा क्या पता नहीं, वो सोचना छोड़ो, पढ़ो जैसे और सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ो. ओके, ऐसे मत करना वरना आगे ऐसे वैसे हो जाएगा. हाँ तो वो ऑफलाइन के हिसाब से याद करो सब कुछ, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा तो वैसे ही हो जाएगा आराम से. वो पॉसिबल नहीं है, मैंने लास्ट टाइम देखा था वीडियो कॉल में क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स तो वीडियो ही चलता थी, आवाज भी नहीं आती कहीं की, कहीं के आंसर पापा देते हैं. हाँ तो वो होता है, ठीक है, उससे मैं रहा भी नहीं जाता. हाँ ओके, तो हम कन्वीनियंट रेज देख रहे हैं, जो कन्वीनियंट रेज होंगे जिनको हम ड्रॉ, उनका ऑलरेडी बिहेवियर पता आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो पहली रे कौन सी हो गई, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही है पहली. ओके, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर पहली रे. ओके सो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं. ओके सो कॉनकेव मिरर, इतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ काफी है, और यहाँ हम, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया. ओके कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. सो पहले अब कॉनकेव, सो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है. अब इससे कोई भी रे पास हो रही है. ओके सबसे पहले तो ये रे देख लो, ये रे एक तरह से पास ही हो रही है, इससे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी. अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे, यही रे है और नॉर्मल भी यही हो जाएगा. ओके सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो हो गया. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो भी जीरो होगा, यानी कि जो रे यहाँ से पास होते हुए यहाँ आई वो वापस इसी पाथ पे चली जाएगी, है ना, सेम पाथ पे चले गए. अब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ओके ब्लू से इंसिडेंट करेंगे हमेशा. ओके कोई भी रे सेंटर से पास करेगी वो कैसे स्ट्राइक करेगी सरफेस से, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी हमेशा, क्योंकि हम देख चुके हैं सेंटर, सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो वो हमेशा नॉर्मली मीट करने वाली है ना. और ये सेंटर इस स्पेयर का है तो सेंटर, इस कर्व का है तो सेंटर है. तो कोई भी रे इससे पास हो वो हमेशा नॉर्मल स्ट्राइक करेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, इसका मतलब इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ बनेगा, वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, दोबारा वही पाथ हो जाएगा, है ना. ओके कोई रे ऐसे स्ट्राइक कर रही है वापस ये पाथ ट्रेस कर जाएगी इस तरह से. सो इस रे का हमें बिहेवियर पता है, बहुत इजीली पता है, नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है. अब सीधा कोई भी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है वापस उसी पाथ को ट्रेस कर जाएगी. ओके अब यहाँ देख लो, ओके यहाँ पे यहाँ मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ओके ये रे स्ट्राइक कर रही है, अब इसके आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, नॉर्मल ग्रीन यूज कर रहे हैं, नॉर्मल ये होगा यहां से लेके ये, सो नॉर्मल भी ये हो गया. ओके सो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, जीरो. सो रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो, और ये आपकी रे जो इंसिडेंट हुई वही वापस चली जाएगी, जो जिस पाथ से आ रही ना उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, अगर वो रे सेंटर से पास होती है तो. यहाँ पे तो वाकई में वो सेंटर से पास होते हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होते हुए इंसिडेंट हो रही, यहाँ पे रे विच इज इंसिडेंट टू आर सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट हो रही है, अभी तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जाएगी नहीं है, तो यहाँ पे इंसिडेंट करेगी, सो नॉर्मली स्ट्राइक करने वाली है, नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो नॉर्मल भी नॉर्मल होगा, सेम ही होगा, वापस रे ट्रेस पाथ कर जाएगी. मान लो ये रे होगी, ओके ये रे यहाँ स्ट्राइक किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, ये आ गया, पाथ वापस ट्रेस कर जाएगी. तो इस रे का हमें पता है, इस रे का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता है, बिहेवियर पता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी, तो ये रे हम कभी भी ले सकते हैं. ओके कोई भी ऑब्जेक्ट से हम ये रे ले लेंगे, मान लो इस तरह से है कॉनकेव मिरर, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
तो आप क्या करो, एक रे तो ऐसे ले लो और वापस यहीं ट्रेस कर जाएगा, क्योंकि तो रे मिल गया। एक रे आप बाद में ले लोगे इस तरह से कैसे भी, जो फोकस से पास करेगी वो हम देख लेंगे। तो एक रे का तो बिहेवियर आपको पता है, अगर जो सेंटर को जैसे पास होते हुए स्ट्राइक करेगी तो वापस सेम पाथ ट्रेस करने वाली है, ठीक है। फर्स्ट रे आपको पता है, सेकेंड रे रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अभी हमने फोकस में देखा था, है ना, फोकस में ऑलरेडी ये देख चुके थे। ओके, सो कॉनकेव मिरर लिया, ए रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया। ओके, सो ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है तो रे कहाँ से पास होगी, फोकस से होगी। कैसे, यहां से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये फोकस से पास हो जाएगी, है ना। तो इस रे का भी बिहेवियर आपको पता है, नॉर्मल आपको ड्रॉ ही नहीं करनी पड़ेगी बार बार। रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम फोकस, वो फोकस से पास हो जाएगी, है ना। सो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस फ्रॉम फोकस, वो फोकस से पास होगी। ओके, यहां पे देख लो, यहां पे कैसे होगी, ये ड्रॉ करना मत भूल जाना, सारे की करना होगा एग्जाम में। कुछ भी पूछेगा आपको, रे डायग्राम बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, आपको बताएं ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इंफिनिटी पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस के बीच में, फोकस या पोल के बीच में, बताएंगे। अभी ये डिस्कस करेंगे सारा, बहुत ईजी है ये चैप्टर। ओके, पोल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है कहीं, मान लो यहाँ फोकस है, ठीक है। अब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस से पैरेलल आ गए, अब ये कहाँ जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, है ना। तो एक तरह से तो हम वैसे कैसे ड्रॉ करते हैं, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे इंसिडेंट वो करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ऐसे, है ना। ओके, इसको बेस्ट बेक ट्रेस करते थे फोकस पे, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। इसको पीछे ट्रेस करोगे तो ये फोकस से मीट करे, है ना। तो जब भी आपके पास ऐसे आए कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जाएगी, स्केल लो, फोकस पे रखो, ये लो इधर चले गए, ये भी हमें पता है ना। रे आ गई आपके पास, फोकस आपको पता ही है, तो ये जाएगी कहाँ, स्केल रखा यहाँ पे, इस तरह चली जाएगी। आपको ना तो ये नॉर्मल ड्रॉ करना है, ना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, यानी कि ये अपियर टू कम कहां से अपियर होती है, कब आती हुई है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से, वहां पे तो वो फोकस से पास हो जाएगी, यहाँ पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अपियर होती है कि फोकस से आ रही है, ऐसे ही कुछ था पहले भी हमने डिस्कस किया था, ये क्लियर हो गया। तो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे पास होती है, लगता है कि ये फोकस से आ रही है और यहाँ पे ये फोकस से पास होगी, ये क्लियर हो गए दो। ओके, फिर नेक्स्ट एक रे फोकस से, अब इसे अपोजिट कर दो, ये तो पैरेलल आ रही फोकस से, जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल चली जाएगी, है ना। यहाँ पे तो हम कर नहीं पा रहे थे, तो सेंटर कर्वेचर से, वो सेंटर कर्वेचर से जा रही है, यहाँ पे इसका उल्टा कर लो, जो रे फोकस से इंसिडेंट होगी, फोकस से पास होगी इंसिडेंट, वो हमेशा पैरेलल जाएगी। रे पासिंग फ्रॉम द फोकस इंसिडेंट ऑन द मिरर द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी हमें पता हो गया, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्स में। ओके, कोई भी रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है कि वो फोकस पे जा जा सकती है। ओके, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये चीज क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लो, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेम पाथ ट्रेस करेगी, चाहे कहीं से भी पास हो, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वो सेम पाथ ट्रेस करेगी, सेम पाथ करी है, आई वापस चली गई उसी पाथ पे। ओके, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, स्ट्राइक करती है कॉनकेव मिरर को, तो वो रे फोकस से पास होगी, वो कोई भी रे हो सकती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी। अच्छा, एक रे में पूछू, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी क्या वो फोकस से पास हो रही है, बिल्कुल हो रही है,
वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली, अपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होगी और वो फोकस से पास हो रही है, क्योंकि फोकस पे सब इंसिडेंट होने वाले हैं, है ना। तो इसमें क्या देखा हमने, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है तो वो रे फोकस से पास होगी। यहाँ पे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास होगी, अपीयर हो रही है फोकस से, पीछे ट्रेस करोगे तो ऐसा लगे जैसे फोकस से ही आ रही है ना। अब इसका उल्टा ले लो, इसी का उल्टा, कोई भी रे अगर फोकस से पास होते हुए स्ट्राइक करती है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, है ना। वही यहां हो रहा है, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्राइक कर रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे अपीयर करेगा कि वो रे आपकी फोकस से आ रही है, इसलिए चला जाएगा डाइवर्ज। ओके, यहाँ पे सारी रेज देखो कन्वर्ज हो रही है फोकस पे, ये फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है। ये चीजें क्लियर हुई, ये कोई भी रे हो कहीं पे भी हो, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल स्ट्राइक कर रही है तो हमेशा वो फोकस से पास होगी, हमेशा फोकस से पास होगी। आप ड्रॉ कर सकते हो, देख लेना, सर्कल बना लेना एक अच्छा सा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेना, यानी कि आप इस तरह से ले लेना, जैसे ये कब हो गया, ये कब, कोई भी दे ले लो, ये अभी हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ के लाइ कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ज्यादा बैंड होगी, यहाँ पे कम बैंड होगी, ऐसे मीट करेंगे, है ना। ओके, थोड़ा ढंग से बनाना ऐसे, ठीक है, ये दोनों इस तरह से, समझ में आया, ये है, या आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो बना के, कि आपको एक सर्किल बना, तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये लिया 5 सेंटीमीटर कंपास में रेडियस ले लिया और यहाँ से एक कर्व ड्रॉ कर दिया, सो ये रेडियस कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। पैरेलल रे डालो यहाँ पे, ठीक है, एक और डाल दो, ठीक है। अब नॉर्मल तो ये हो गया, इस एंगल को मेजर किया, उतने एंगल से एक लाइन बना दो, यहाँ ये वाला एंगल भी मेजर करो, उतने एंगल से ये लाइन बना दो, ये यहाँ से पास करेंगे। ये क्लियर हुआ क्या, फिर से देखो। ओके, थोड़ा बड़ा चाहिए, अच्छा बन गया था, हर एक पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। सो आपने जैसे ये कर्व आ गया आपका, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका, एक रे आप ये ले रहे हो, एक रे ये ले रहे हो, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होगा, फिर से कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल होगा एक तरह से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ऐसे ही यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे आप, ऐसे नॉर्मल होगा। अब देखो इनमें एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है ना, तो ये यहाँ कहीं आएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, ये यहाँ कहीं स्ट्राइक करेगी। ओके, ऐसे यहाँ पे बहुत ही कम है, देखो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा, ये ऐसे आएगी, तो ये पॉइंट जहां मिल रहा हूँ फोकस आ रही है। अब देखो कोई भी रे ले लो पैरेलल, वो हमेशा फोकस से पास हो रही है, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा फोकस से पास होगी, है ना। सो ये कन्वीनियंट रेज, जिनका हमें बिहेवियर पता है कि रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या होने वाला है इनके साथ। ओके, कहीं पर पता है ना कि मरने वाला है, वो इसी तरह का ये है। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी रे पास होगी वो हमेशा सेम ट्रेस पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस से, अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो हमेशा फोकस से पास करेगी कॉनकेव मिरर में, और यहाँ अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, एक तरह से फोकस से आती हुई दिख रही है। ये क्लियर हो गया, फोकस फोकस। सो मेनली सबसे पहले हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के देखेंगे सर, इसका तो बहुत ईजी है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब कोई भी रे अगर फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ओके, पहले हमने क्या देखा था, कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस से पास होगी, है ना, कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे है वो फोकस से पास होगी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम क्या कह रहे हैं, उसका उल्टा कह रहे हैं, कोई भी रे फोकस से पास होगी स्ट्राइक करने के बाद में वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, ये यहाँ क्लियर है, ये
कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, वो प्रिंसिपल एक्सिस जो भी पैरेलल है वो ऐसे अपीयर करेगी कि वो फोकस से आ रही है, इस तरह से रिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। लास्ट रे है रे इंसिडेंट एट पोल। ओके, पोल पे अगर इंसिडेंट हो तो ओके, ये हम साथ साथ में उनके भी देखते रहेंगे जब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे। इनको आप बना के प्रैक्टिस करना घर पे, जितना प्रैक्टिस करोगे इनको बना बना के उतने ज्यादा अच्छे से होंगे। ओके, पोल आपका यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। कोई भी रे अगर पोल पर स्ट्राइक करती है, कोई भी रे, चाहे ऐसे स्ट्राइक करे चाहे ऐसे स्ट्राइक करे, कैसे भी कर सकती है वो, तो वो रे की मर्जी है ना। ये रहा, ठीक है। अब ये आपकी कॉन्वेक्स है, ये आपका कॉनकेव है, ठीक है। यहां पे भी आपकी रे स्ट्राइक करेगी। ओके, अब नॉर्मल कौन सा है इस पॉइंट पे? नॉर्मल तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही होगी, तो ये कैसे जाएगी फिर? वही जितना एंगल यहां लग रहा है ना, उतने एंगल से यहां बना दो, है ना। जितना एंगल यहां लग रहा है उतने एंगल से यहां बना दो। ओके, ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहां पे नॉर्मल क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ही आपकी नॉर्मल है एक तरह से। ये रेस क्लियर है, ये रेस क्लियर है। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे कैसे मूव हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, ये सारे बहुत इजी है रे डायग्राम, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। ओके, सो हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले एक इन्फिनिटी में मानेंगे, उसको धीरे धीरे करीब लाएंगे मिरर के, और देखते जाएंगे कि इमेज की पोजीशन क्या बदल रही है, उसकी साइज क्या बदल रही है, क्या वो रियल से वर्चुअल होती जाएगी या क्या होता जाएगा, वो सब देखेंगे हम। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में मानेंगे। इन्फिनिटी से क्या करेंगे, मिरर के पास पे ला रहे हैं। सो अभी हम सिर्फ कॉनकेव मिरर देखने वाले हैं, सिर्फ कॉनकेव मिरर। सो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे, उसको हम धीरे धीरे मिरर के पास ला रहे हैं। अब देख रहे हैं इमेज में क्या क्या फर्क आ रहे हैं, कैसे कैसे वो बन रही है, ठीक है। सो इनिशियली अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट यानी कि सूरज ही मानना चाहिए, उसी की इमेज ले रहे हैं कैसे, है ना। सो ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पे है, तो जब इनफाइनाइट डिस्टेंस कोई रेज आती है तो उनको हम पैरेलल कंसीडर कर लेते हैं, बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल मान लेते हैं उनको। ओके, तो अगर हाँ हाँ बिल्कुल, अगर बहुत दूर से आ रही है रेज, काफी दूर से, तो देखो कैसे होगा। अच्छा मान लो, ये मान लो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ये, ओके, और यहाँ पे रेज ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे रेज, तो ऐसे रेज आ रही है ना, जैसे इस पॉइंट से रेज ले रहे हैं हम सिर्फ, ये रेज ऐसे आ रही है, ओके, ये रेज दूसरी रे ऐसे आ रही है, तीसरी रे ऐसे आ रही है, इस तरह से आ रही है ना, इस पॉइंट से। सो आपको ये लग नहीं रही थोड़ी पैरेलल सी है जितना, ओके, जैसे हम पास में लेते हैं तब तो आपको इतना नहीं लगेगा कि पैरेलल है, जितना वो दूर से देखते हैं तो रेज लगती है पैरेलल आ रही है। अब सूरज की रेज आते लगती है सारी पैरेलल है ना, पैरेलल से दिखाई करते, तो ये रीजन है क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूरी पे है, सो उसे एक पॉइंट ले लो, वहां से जो इमेज रेज आ रही है वो पैरेलल से लगेगी, बहुत दूरी से आएगी तो पैरेलल से हो जाएंगी वो लाइनें। सो वो इसलिए हम कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा दूर है, तो उससे रेज हमेशा पैरेलल कंसिडर करते हैं। पैरेलल मतलब स्ट्रेट तो हमेशा आने वाली है, पैरेलल मतलब दो रेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा बीच का, ये पैरेलल रेज है ना। इसमें क्या पढ़ा अभी तक, ये तो बहुत ही, क्या जूते पड़ जाएंगे ऐसे, तो कैसे आ सकती है? ओके, ये तो पता है, ठीक है, कैसे आ सकती है, ये आपका सूरज है, कोई एक पॉइंट से रेज आ रही है, अब हो ही आप इतनी दूर कि सूरज भी क्या करे,
आपको पैरेलल रेज ही लेनी पड़ेंगी इसकी, ओके ये आती जा रही है आती जा रही है, उस पॉइंट से एक ही पॉइंट से देख रहे हैं अभी हम क्या, हाँ आ रही है वहां से, तो कुछ लाइट ईयर्स में आपके पास पहुंच जाएगी, वहां पे चलेंगी फिर कुछ लाइट ईयर्स बाद में आपके पास पहुंच जाएगी, वन लाइट ईयर में इंशाल्लाह, ओके। सो वहां से ये रेज जो दूर से आ रही है ना, वो ऐसे लगे जैसे धीरे धीरे पैरेलल से लगने लगती है ना, पैरेलल से लगेंगे आपको, ओके। ये देखो पैरेलल से लगेंगे, जबकि हल्का हल्का सा डिस्टेंस वो दूर होती जा रही है, लेकिन हम फिर इनको कंसिडर कर लेते हैं कि ये पैरेलल रेज है, ओके। सो कोई भी क्या मत करो, फिर बना लो तो आपको उसमें नहीं करोगे छोटी सी इमेज मिल जाएगी फिर, अगर नहीं करोगे तो छोटी सी इमेज मिलेगी आपको, छोटी सी बहुत छोटी सी, वो उस पॉइंट के बराबर ही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइटली दूर है तो उसकी इमेज एक पॉइंट इमेज के बराबर हो जाएगी, नहीं कर सकोगे तो पॉइंट की जगह हल्की सी थोड़ी सी बड़ी दिख जाएगी, दो पॉइंट की इमेज दिख जाएगी उस पॉइंट की, इस तरह से दिख जाएगी, यानी थोड़ा सा, यानी आपने दो पॉइंट ले लिए जो भी है, यानी इसमें क्या होगा कि आप इनके सारे पॉइंट्स का एक पॉइंट मिलेगा, सिर्फ छोटा सा पॉइंट इमेज इमेज, अगर आप पैरेलल कंसिडर नहीं करते तो उन सब पॉइंट्स के छोटे से दो तीन पॉइंट इकट्ठे से मिल जाते हैं छोटे छोटे, ओके। सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा वन बाई एफ इक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई, हाँ मैंने वो देखा ही नहीं अभी तक, मैं भूल गया, ओके। तो हम देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइटली दूर हो, काफी दूर हो, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी भी हम पैरेलल ले लेते हैं, ओके। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइटली दूर, यानी इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो उस समय हम पैरेलल रेज ले रहे हैं, और यहाँ तक एक और चीज ले लेते हैं, वापस में तो पैरेलल है साथ में, उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भी ले लेते हैं, उसको हम ये है बहुत इन्फाइनिटी दूर से आ रही है, सो एक तरह से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल सी लगती है, तो उनको हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल भी ले लेते हैं, ओके। ये तो आपको पता ही है फिर क्या होने वाला है, रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे भी ले लो चाहे, ये भी एक रे ले लो, वो कहाँ से मीट करेंगे, कहाँ मीट करेंगे, फोकस पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारी कहाँ मीट करने वाली है, फोकस पे, और ये एक्चुअली मीट कर रही है या फिर सिर्फ दिखा रही है कि हम मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है ना, दे आर नॉट अपीयरिंग टू मीट, ओके। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, सो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो हम पैरेलल रेज लेंगे, ओके, खुद तो पैरेलल है, वो प्रिंसिपल एक्सिस भी पैरेलल नहीं मानते क्योंकि रे बहुत दूर है मिरर से, तो पैरेलल से लगेंगे, ओके। सो अब वो इंसिडेंट होके सारी सारी कहाँ हो जाएंगी, फोकस में मीट करने वाली, और ये एक्चुअली मीट कर रही है, तो आपकी इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, फर्स्ट रियल इमेज है, बिकॉज आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर एक्चुअली मीटिंग, बेंडिंग होने के बाद में वो एक्चुअली मीट कर रही है, रियल हो गई। सेकेंड देखो ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है इस तरह से देखा जाए तो, इतनी दूर दूर से रेज आ रही है तो, और इमेज क्या मिली हमें, पॉइंट इमेज, तो डिमिनिश्ड है एक तरह से, डिमिनिश्ड टू ए पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड यू कैन से, डिमिनिश यानी छोटा हो जाना, छोटा डिमिनिश का मतलब धुंधला, तो डिम का मतलब कहते हैं, डिम सा कहते हैं हम जैसे, लेकिन इसका डिमिनिश का मतलब उसकी साइज बहुत छोटी हो गई है, एकदम एक पॉइंट ही हो गया है, एक पॉइंट हो गया, डिमिनिश टू ए पॉइंट, हाईली डिमिनिश्ड है, डिमिनिश टू ए पॉइंट, रियल है तो इन्वर्टेड होगी वो, है ना, ये आपकी इन्वर्टेड इमेज, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इमेज, अपराइट इरेक्ट इमेज कहते हैं इसे, जो वर्चुअल होगी वो अपराइट होगी, ओके। ये हम आगे और करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, सो जितनी भी रियल इमेज है उसका मतलब वो इन्वर्टेड है, ओके। प्लेन मिरर में आपको कैसा दिखता है, हाँ हाँ इन्वर्टेड उल्टा होना, हाँ हाँ सर तो पांव की जगह दिखेंगे, पांव सर की जगह दिखेंगे, ये होगा इन्वर्टेड इमेज, यानी कि ऐसे बंदा खड़ा है ना उसे एक कॉनकेव मिरर में इमेज ऐसे दिखेगी उल्टे, ओके। प्लेन मिरर में कैसे दिखती है आपको, सीधी सीधी,
आपने देखा होगा रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कभी मीट नहीं करती, फिर पीछे ट्रेस करते हैं मिरर के, तब वो मिलती है। तीनों अलग अलग है। मिलते हैं बिल्कुल, ये बाल ट्रेडर्स है वहां पे मिलते थे, मैं स्कूल टाइम में तो खूब खरीदे वहां से। तो दो नंबर डिस्पेंसरी के पास में टर्न आता है, वहां पे कोने पे बाल ट्रेडर्स के नाम से है, बाल ट्रेडर्स आपके उधर ही थोड़ा सा आगे जाती कोने पे, यानी यूं जाके फिर एक हल्का से यू रोड वो दुकान है तो इस कोने पे, हाँ हाँ उधर ही उधर की तरफ है। सो वहाँ पे कॉर्नर पे बाल ट्रेडर्स वहाँ मिलते थे, तो मैं कई बार लिए वहाँ से लेंसेज, 5 सेंटीमीटर का लेंस भी लिया था, और ये सब मिलते हैं चीज़ें। ओके हाँ 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 वो स्कूल से लाया था वो। ओके ये क्लियर हो गया, रियल डिमिनिश टू ए पॉइंट इन्वर्टेड इमेज जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। अब इन्फिनिटी से धीरे धीरे हम पास ला रहे हैं उसको, पास लाए तो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा फिर, यानी एक डिस्टेंस पे लेकिन अभी भी बहुत दूर है। इस समय क्या होगा, रेस तो हम पैरेलल कंसीडर कर लेंगे लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं होगी वो रेस, है ना। अभी तक तो बहुत इन्फिनिटी पे था, तब तो हमने कंसीडर कर लिया कि वो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है उस पॉइंट से जो रेज आ रही है वो तो हम कंसिडर करें अभी पैरेलल है, क्योंकि वो बहुत पास से आ रही है ना इस तरह से, लेकिन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है इस बार रेज। ओके सो दिस ऑब्जेक्ट तो अभी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अभी भी यानी कुछ पास तो है। ओके यहाँ पे अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे आपका फोकस है, अब ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ कहीं है, अभी भी दूर ही है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, काफी दूर है, है ना। ओके उस समय क्या होगा, अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा तो दो रेज आए उससे पैरेलल रेज ही मान लेते हैं हम। ऐसी अब कौन सी दो पैरेलल रेज लेनी चाहिए, एक को तो हम फोकस से पास करा दें, एक को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, क्योंकि इनका पता है हमें कि ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से मीट करेगी, है ना। जो रे फोकस से पास होगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है होगी, जो रे फोकस से पास होगी, ब्लैक ले लिया मैंने, ब्लू लेते हैं ये, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ जाएगी, जो भी रे फोकस से पास होगी फिर से ब्लैक ले, वो कहाँ जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में, पैरेलल होगी, है ना। कोई भी रे फोकस से पास होगी तो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, ओके कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस, और जो रे फोकस से जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। सो इस बार हम दो रेज ले रहे हैं पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से जो दो रेज पास होंगे उनका बिहेवियर पता है, एक रे ले लो एक रे ले लो। ओके अब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। एक सेकंड, ये रे हो गई, दोनों रे पैरेलल है। अब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये रे तो ऐसे जाएगी, है ना, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है वो वापस वैसे चले जाएगी, तो ये वाली लाइन ऐसे होगी, है ना। ओके अभी कहाँ मीट कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट इमेज हो गई, है ना। हमने इसकी देखो सिर्फ हमने हेड पॉइंट से लेते हैं, हेड पे जो सबसे ऊपर पॉइंट है उसी की उसी की रेज आ रही है, क्योंकि हमें बेस तो पता ही है वो यहाँ फॉर्म होगा, हेड हो गया तो उसका उल्टा यहाँ बेस हो जाएगा। सो हो तो रही फोकस पे ही है इमेज फॉर्म, यानी और लेकिन अभी भी डिमिनिश्ड है ऑब्जेक्ट, देखो इन्फिनिटी पे है, अभी भी दूर है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसकी रे कितनी सी आ रही है, छोटी सी, यानी कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर उधर ले लो वहां से रे आ रही है, आती आती यहाँ पे आ गई और पैरेलल लग रही हूँ, अभी बहुत दूर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट कर दिए, यहाँ हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, बहुत दूर ले लिया ऑब्जेक्ट इस तरह से, और इसके हेड के इस पॉइंट से दो इमेज ले रही, दो रे ले रहे हैं, जैसे जैसे पास आ रही है आपको पैरेलल लग रही है इस तरह से। ओके
अब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली है, ये फोकस है, इस तरह से लिया है और आपका मिरर यहाँ आकर लिया, हुआ ऐसे गई यू आर रे वापस ऐसे कि फोकस पे होगा, ऐसे आई ऐसे इस तरह से आई, वो इमेज यहाँ फॉर्म होगी फोकस पे, फोकस से फॉर्म होगी, अभी भी डिमिनिश्ड है, बहुत छोटी है, ये ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, इमेज तो इतनी सी बनी है, अभी भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, इनफाइनाइट था तो फोकस पे एक पॉइंट बनी थी सिर्फ, अभी भी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आ रहा है पास, अभी फोकस, पता है वैसे वाकई में पता है क्या हो रहा है कि ध्यान से देखो तो रियली में क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे इमेज फॉर्म हो गई, अब जैसे जैसे वो थोड़ा सा और मूव पास आता जा रहा है जो फोकस से हल्की से दूर जा रही है, उधर ध्यान रखना हल्का सा दूर जा रहा है उसे, ओके अभी तो हमने जैसे फोकस से फॉर्म कर दिया ना, रियल में ये फोकस से बिल्कुल पास में हो रहा है कहीं, बहुत ही पास में है ना, क्योंकि क्या होने वाला है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आएगा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो आपकी इमेज क्या होगी सेंटर इसे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, अभी देख लेना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करती जाएगी, यानी कि इन्फाइन बहुत बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे अभी हमारा, सो आपका पॉइंट इमेज फॉर्म हो गया आपका फोकस पे, अब जैसे जैसे पास आ रहा है ना आपकी इमेज धीरे धीरे साइज में इंक्रीज हो रही है और वो फोकस धीरे धीरे दूर जा रही है, बहुत धीरे धीरे, ओके सो इस तरह से आप देख सकते हो। हाँ बिल्कुल, यानी दिखेगी भी बहुत छोटी सी दिखेगी आपको, अगर आपके पास बहुत अच्छा लेंस है, एक तो डिस्टेंस की वजह से, हाँ डिस्टेंस की वजह से छोटी दिखेगी उसमें, और दूसरा ये है कि वो इतनी दूर है कि उनसे जो रेज आ रही है ना वो एटमोसफेयर में गायब हो जाती है, वो रेज अब्जॉर्व होती होती बहुत कम मिलती है, उसका इमेज तो आप निकाल लो, निकल जाएगा अगर अच्छा, ओके नहीं हमारे पास पहुंच, यानी हल्के में भी तो पहुंचती है सब रेज, तो अगर मान लो आप स्पेस में हो उस समय आपको वो ऐसा ऐसा दिखेगा, चमकेगा नहीं, वो ट्विंकल नहीं होगा, गोल है तो एक बिंदु से देखेगी व्हाइट कलर की, बड़ा यानी थोड़ा सा और इंटेंसिटी ज्यादा दिखती है उसकी, यानी कि थोड़ा बहुत ब्राइट दिखता है वो। सो एटमोसफियर का क्या होता है, आपकी जो रेज आ रही है उनका रिफ्लेक्शन होता रहता है, तो कभी तो रे ऐसे पहुंची कभी ऐसे पहुंची, सो आपको वो स्टार थोड़ा इधर उधर गिरता हुआ दिखेगा, इसलिए वो लगता है वो ट्विंकल हो रहा है, ट्विंकल तभी वो लगता है, वो ट्विंकल हो रहा है, बाकी वो होता नहीं है, तो वो इस तरह से रेज इस समय ऐसे आ रही है ऐसे पहुंची, तो आपको क्या लगेगा ये यहाँ से आ रही है, कभी फिर एटमोसफेयर में तो हवा है वो चेंज होती रहेगी डेंसिटी, तो रिफ्लेक्शन अलग अलग होगा, इस समय आपको रे यहाँ से आ रही है थोड़ा बहुत डिस्प्लेस इधर उधर, अगर हवा अगर डेंसिटी में ज्यादा फर्क आ रहा है तो आपको ज्यादा ट्विंकल होता दिखेगा ज्यादा फर्क, और एकदम स्टेबल है तब आपको बहुत ही कम ट्विंकल हो दिखेगा, सब इस एटमोसफेयर पे डिपेंड करेगा, क्या कम निकलते हैं वो हो सकता है बादल के कारण हो, दूंगी कम ट्विंकल ऐसा तो नहीं हो, ज्यादा ट्विंकल करना चाहिए फिर, या फिर तो ऐसा होगा कि वो ट्विंकल होने एक बार तो यहाँ दिखेगा एक बार यहाँ दिखेगा तो वो इस तरह से लगता नहीं वो ट्विंकल हो, हाँ वो इस तरह से आपका स्टार यहाँ है आप यहाँ हो, अब ये आपके एटमोसफियर लेयर्स हैं, ओके और एटमोसफियर मेनली क्या होगा कि हम नॉर्मल देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ओके इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी कम होगी ज्यादा होगी कम कम होती जाएगी, मान लो ऐसे मान रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ अलग होता है, यहाँ से एक रे आ रही है आपकी तो इसके पास पास आती जाएगी ऐसे से है ना इस तरह से, तो अब आपको रे कहाँ दिखेगी वो लगेगा यहाँ से आ रही है, एक सेकेंड कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ये स्टार है आपका, ये डिफरेंट लेयर्स है और हम मान रहे हैं ओके अज्यूम कर रहे हैं कि ये लेयर्स की डेंसिटी कम होती जा रही है, तो एक रे आई डेंसिटी है टू आर्स द नॉर्मल आप यहाँ खड़े हो, तो आपकी रेस में तो यही जा रही है ना आंखों में, तो आपको क्या लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है, आप आ तो ये यहाँ से रही है रेस, ये आपको लगेगा ये रेस यहाँ से आ रही है, ओके अब क्या होगी इनकी डेंसिटी वेरी होती जाती है थोड़ी बहुत,
कभी आपको लगेगा कि यहां से आ रही है, कभी लगेगा यहां से आ रही है, इस तरह से तो वो उस कहां से उठ निकल लगता है। हाँ यानी कि थोड़ा सा जैसे होराइजन पे सुबह उगने से पहले दिख जाता है हमें, डूबने के बाद भी हमें दिखता है क्योंकि वो रिफ्रेक्शन से ऐसे दिखता है आपको, तो लगता है कि वो वहां से रे आ रही है जबकि वो डूब चुका है, फिर भी आपको लगेगा अभी थोड़ा सा वर्जन पे है। ये क्लियर हो गया? ये बहुत अलग चीज है। अब वापस वहीं आ जाओ। लाइटनिंग वो तो अलग, वो स्कैटरिंग है, वो लाइट रहती है वो स्कैटरिंग है आपकी। ओके जैसे आपकी सूरज की लाइट आई, ओके मान लो ये डस्ट है, इसके पीछे भी आपको दिखाई तो दे रहा है ना, जबकि डायरेक्ट रेस तो आ नहीं रही है ना, या फिर टेबल के नीचे जहां जहां रेस नहीं जा रही वहां पे आपको दिखाई तो दे रहा है कुछ तो, है ना। सो मेनली क्या होगा, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स में होंगे, सो रेस ट्राई करती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी उससे। ये आपका अर्थ है, चारों तरफ एटमोसफियर है, ये सूरज है, आप यहाँ कहीं हो, सूरज डूब चुका है यहाँ। सो सूरज की रेस तो ऐसे आ ही रही है अभी, है ना, तो एटमोसफियर में वो स्कैटरिंग स्कैटर होती रहती है, स्कैटर होती रहती है। सो कुछ स्कैटर यानी किसी पार्टिकल टकराए वो इधर चले जाए, इधर चलेगी, रिफ्लेक्ट होगी हर डायरेक्शन में, वो कुछ अब्जॉर्ब हो गए इस तरह से है ये सारा। नहीं रियल में उस समय तक नहीं डूबेगा, उसका अलग रीजन है, ये आपकी अर्थ, ये आपके डिफरेंट लेयर्स हैं। सो सन यहाँ है, सो जैसे जैसे आया टू आवर्स द नॉर्मल, टू आवर्स द नॉर्मल, टू आवर्स द नॉर्मल, ये आप पर पहुंच गए, ओके तो आपको लगेगा सन अभी भी यहाँ है, ये रिफ्रैक्शन का है कि इसको मत देखो अभी इसको क्या। हाँ वैसे कल स्कूल से है ट्यूसडे, वेनेसडे को घर से, फ्राइडे को घर घर से है, परसों के चार्ज की अभी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है, प्लीज कहाँ मीट करिए, एक तरह से फोकस पे करिए, थोड़ा सा फोकस इधर आ जाएगी सेंटर को हल्की सी, जो मायने नहीं रखती है क्योंकि देखो वो डिस्टेंस तो इतना ज्यादा वेरी हो रहा है, इसको सिर्फ इतना सा डिस्टेंस करना है। ओके ओके सो ये फोकस से हल्की सी यहाँ आ जाएगी, बहुत हल्की सी, तो हम उसको मान लेते हैं फोकस पे ही होगा, फोकस पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए कैसी कैसी होगी, रियल होगी क्योंकि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट कर रही है, और डिमिनिश्ड है, डिमनिज इमेज है, हाईली डिमनिश्ड, बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है अभी, फिर भी बहुत बड़ा है तभी तो छोटा दिखा जाए, और इन्वर्टेड होगी। ठीक है अभी देखो एक पूरा का पूरा रिलेशन आ जाएगा इनमें। अब आपकी इमेज अभी भी, आपका ऑब्जेक्ट अभी भी पास आ रहा है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट पास पास आता था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आने लग गया है ना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अभी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अभी अभी टू रेज लेंगे हम, ओके तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद में फोकस से, ओके ये आपकी फोकस से पास हो गई। दूसरी रे क्या लो, दूसरी रे भी फोकस से पास करा दो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी है ना, दूसरी रे हमने फोकस से पास करा दी, ब्लू वाली फोकस से पास करा दी, ये कहाँ से जाएगी आप, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ 5:30 बजे अभी तो 5 ही बजे, तो 5:09 हुए हैं, ओके वो 0:00 दिखे मुझे, ओके सो ये रे इस तरह से गए, ओके 1 मिनट, ओके 5:30 ही छोड़ने वाला हूँ, ओके हाँ नहीं मेरे गार्डन में काम रह जाते हैं, अंधेरा हो जाता है। ओके सो ये अब देखो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, ओके आपकी इमेज कहाँ हो रही है, इमेज ग्रीन से कर लेते हैं, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है,
है ना. सो हो क्या रहा है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपका ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, जैसे जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, आपकी इमेज इंफिनिटी पे तक ट्रांसफॉर्म हो रहा था फोकस पे. अब जैसे जैसे वो पास आ रही है, आपकी इमेज की साइज इंक्रीज होती जा रही है और वो फोकस की तरफ बनती जा रही है. देखो यहां बन गई. अगर आप थोड़ा सा और दूर ले लेते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी, ओके, ये आपका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर. और मान लो इस बार हम ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां ले रहे हैं, ओके. इस समय देखो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास हो जाएगी, ओके. एक रे फोकस से पास होगी पैरेलल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इस बार यहां फॉर्म हो रही है, है ना, ओके. अब देखो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, ओके, दो लेते हैं, ओके. जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, आपकी इमेज फोकस से दूर होती हुई और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है ना. ऑब्जेक्ट जैसे इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, आपकी इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है ना. जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी था, इमेज फोकस से फॉर्म हुई, एकदम डिमिनिश्ड. अब जैसे जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ रहा है, इसकी साइज भी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, साइज इंक्रीज होती जा रही है, ओके. ऐसे जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पहुंचा, आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो जाएगी और सेम साइज हो जाएगी फिर, ओके. ये क्लियर हुआ क्या? तो आपका ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे, ये इमेज ले लो, ओके, फिर ले ये इतना सा, यहाँ पे तो पॉइंट इमेज हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे जैसे पास आ रहा है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव होती जा रही है और इमेज की साइज इंक्रीज होती जा रही है. देखो इंक्रीज होती जा रही है, हाँ, अभी देखेंगे भारी हो जाएंगे, हाँ. और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दोनों इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, सेम साइज. ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा. सो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रही है. बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रियल तो है ही, डिमिनिश्ड है ही, छोटी इमेज है अभी भी, ओके, और इन्वर्टेड भी है. इस बार हम डिमिनिश कर लेंगे. तो जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, आपकी इमेज साइज में इंक्रीज होती जा रही है, फोकस से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है. कि अभी देख लो यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रही है, सब कुछ रेस का काम है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है. अभी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आते हैं, ओके. अब देखो वहां से ऐसे आया था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम है, तो वहां पे पहुंच गई. जैसे जैसे पास आती जा रही है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होता जा रहा है, ओके. सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, या ओके, वाकई में पता है क्या हो रहा है, ओके. एक चीज देखो, ओके, जब रेज इंफिनिटी से आ रही थी तब वो कन्वर्ज बहुत पहले हो गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, देखो, है ना. अब जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, आपकी रेस दूर कन्वर्ज होने लग गई है ना. ये अब यहां कन्वर्ज होंगी, यहां कन्वर्ज होगी, यहां कन्वर्ज होगी, यहां कन्वर्ज होगी. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट देखो फोकस पे आता जाएगा ना, वो दूर होती 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 पैरेलल हो जाएंगे फिर. जैसे आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाएगा, वो रेस पैरेलल हो जाएंगी. भी वो देख लेंगे सारे इसमें इंसिडेंस एंगल, वो से देखते हैं. सो बहुत दूर ऑब्जेक्ट था तब तो सब फोकस से मीट कर रही थी, कन्वर्ज बहुत जल्दी हो गई थी, है ना. अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट पास आता जा रहा है, वो कन्वर्ज होना भी दूर होती जा रही है. कन्वर्ज होना दूर होती जा रही है, ओके, ठीक है, दूर कन्वर्ज होती जा रही है. अब जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से पहुंचेगा, वो रेस कन्वर्ज जो हो रही है ना, वो कन्वर्ज ना होकर पैरेलल हो जाएंगी. अब फोकस से भी दूर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब वो डाइवर्ज होना चालू हो जाएंगे, वो अब दूर होते, यानी कि रेस आपकी ऐसे कन्वर्ज होगी, अब धीरे धीरे वो दूर होती जा रही है ऐसे ऐसे. तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, तो आपकी रे जो पहले ज्यादा कन्वर्ज हो रही थी, अब धीरे धीरे कम कन्वर्ज हो रही है, दूर कन्वर्ज हो रही है. अब जैसे ही वो फोकस पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, रेज पैरेलल हो जाएंगी, तो आपका इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगा. अब जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ आएगा, तो वो और अब डाइवर्ज होना चालू हो जाएंगे, दूर होती है. अब आपकी पीछे ट्रेस करके बनाना पड़ेगा. हाँ, अब पूछो.
वो तो इन्फिनिटी पे है, रेस अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, एक डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है, जैसे यहाँ लेंस है, इसके रेस्पेक्टिव में हम जयपुर को इन्फिनिटी मान लेंगे, या इस लेंस के रेस्पेक्टिव सन को इन्फिनिटी मान लो, मैंने सन को, ये है। तो सन की जैसे आप फोकस करोगे ना कॉनकेव मिरर, एक पॉइंट पे फोकस, यानी पेपर लेके हल्का सा पेपर लेके ऐसे से कर कोशिश करो, उंगली भी कर लो चाहे, उस पर हम फोकस हो जाएंगे। ओके, ये क्लियर हुआ? अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया, ओके, कि फोकस यहाँ है, आपको टू रेज लेनी है, तो एक रे तो हम फोकस से पास करा दें, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। पहले प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही तो कहाँ जाएगी, कि थोड़ी पैरेलल नहीं बनी, फोकस से पास हो गई, ठीक है, चली गई, कि रेड जानी थी ना, ब्लू को भेज दिया। ओके, वैसे रे का कलर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं। ओके, पता चला ब्लू लाइट और ब्लू। ओके, ये हो गया आपका। और एक रे हम क्या ले लेंगे, फोकस से पास हो रही है, फोकस से जो पास होगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, है ना, ये आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। ये दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, देखो इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हमने दो रेज ली हैं, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक फोकस से पास होती हुई, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे बेंड हो गई, फोकस से पास हो गई, दूसरी ये गई और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब दोनों जहां मीट करिए वो इस पॉइंट का इमेज आ गया। ओके, तो बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया। ओके, तो अब देखो अब क्या है, सेम साइज है, सेम साइज है। ओके, सो अगर आप अब देखो, पहले तो बहुत पहले कन्वर्ज हो रही थी इन्फिनिटी पे, फिर थोड़ा सा दूर कन्वर्ज होने लग गई, है ना, पहले तो इतना कन्वर्ज हो रही थी, अब यहां कन्वर्ज हो रही है, अब थोड़ा और दूर कन्वर्ज हो रही है, वो कन्वर्जिंग पॉइंट देखो बढ़ रहा है, दूर होता जा रहा है, यानी रेज आपकी ऐसे कन्वर्ज हो रही थी, अब ऐसे कन्वर्ज हो रही है, अब ऐसे कन्वर्ज हो रहा है, फिर पैरेलल हो जाएंगे। ओके, सो आपका ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, तो आपकी इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव करती जाएगी और उसकी साइज इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसकी साइज इतनी होगी। ओके, इसी में देख लो, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ का इमेज फॉर्म होगी, मान लो तो साइज देखो अभी छोटा है, अब जैसे जैसे पास आ रहा है आपकी इमेज की साइज ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन अभी भी छोटी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आते ही इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो रही है और सेम साइज। ओके, सो जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा है, सो आपकी इमेज फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आते ही दोनों सेम साइज की हो जाएंगे, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत बड़ा है, यहाँ पे इमेज पॉइंट ऑब्जेक्ट है, फिर जैसे जैसे जा रही है ये इसके पास आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये साइज इंक्रीज हो रही है, इसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है, सेम साइज होना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आते ही इमेज भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी रेज अब थोड़ी थोड़ी खुलने लगी है, डाइवर्ज होने लगी है, डाइवर्ज नहीं, कन्वर्जिंग दूर हो रही है। ओके, ये क्लियर हो गया? ओके, फिर अब आगे ऑब्जेक्ट तो चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं जब तक भिड़े नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देख लो। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, अब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो सेम साइज इन्वर्टेड है, रियल तो हाई है ना, इन्वर्टेड रियल, समझ में आ गया, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है और साइज इंक्रीज होती जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वो सेम साइज जाती है, अब देखना अभी इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, अब ये इधर की तरफ चला जाएगा, इमेज इधर जाती जाएगी, क्योंकि वो कन्वर्जिंग अब दूर दूर होते जाएंगे। ओके, सो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया ना, अब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आपका ऑब्जेक्ट है, तो फिर से दो रेज लेंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी क्या होगा,
फोकस से पास हो गए और एक फोकस से ओके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अच्छा ब्लू कर दिया इस बार, चलो ठीक है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, जहां मीट करी यहाँ, ये आपका इमेज है। अब देखो अब साइज ऑफ द इमेज बढ़ती जा रही है, अब साइज ऑफ द इमेज बढ़ती जाएगी क्योंकि वो दूर दूर कन्वर्ज हो रहे हैं। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तब तो इमेज आपकी सेम साइज फॉर्म हो रही थी, अब जैसे जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जा रहा है इसकी साइज इंक्रीज होती जा रही है और ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे ही फोकस पे पहुंचेगा आपकी इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो ये कौन सी है रिफ्लेक्टेड रेज है ये अब इस तरह से पैरेलल होने लग गई है, दूर दूर कन्वर्ज हो रही है, सो ये कन्वर्जिंग एंगल कम हो रहा है अब धीरे धीरे, है ना, ऐसे फिर पैरेलल हो जाएंगे। ओके ये चीज क्लियर हो गई। ओके अभी तक हमने क्या देखा, अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे इमेज आपका फोकस पे फॉर्म हो रहा है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है आपकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव कर रही है और साइज इंक्रीज हो रही है, पॉइंट से थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है। ओके अब जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगी और वो सेम साइज की हो जाएगी, इन्वर्टेड तो है। अब जैसे ये फोकस की तरफ जाएगी ये आपकी इंफिनिटी तरफ चली जाएगी और साइज आपकी इंक्रीज होती जाएगी, जैसे ही फोकस पे आ गया रेस पैरेलल हो जाएंगी, आपकी ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ फॉर्म होगी इंफिनिटी पे और हाईली मैग्निफाइड बहुत बड़ी इमेज फॉर्म हो जाएगी, है ना, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम फोकस का देख लेते हैं, ओके ये आपका है इस समय ये फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके तो आपका ऑब्जेक्ट इस बार फोकस पे है, ये समझ में आ गई, जैसे जैसे फोकस की तरफ बढ़ रही है इमेज आपकी दूर जाती जा रही है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कन्वर्ज होने लग गए, अब और ज्यादा कन्वर्जिंग एंगल कम हो रहा है और फिर ये पैरेलल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे फोकस पे कोई भी दो रे लो, एक तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास हो गए, ये रे कहां से पास होगी, फोकस से होगी, फोकस से पास हो गई। ओके अब एक रे और लेनी है, कौन सी लोगे, यहाँ पे हम दो ले सकते हैं, देखो एक रे तो हम ये ले सकते हैं अगर यहां से ऐसे जाए ताकि वो इससे नॉर्मल हो, एक तरह से ऐसे ऐसे चले जाए। ओके ध्यान से देखो, यहां से एक रे अगर ऐसे जा रही है तो वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होगी, एक रे तो ले सकते हैं। ओके दूसरा इजी रे कौन सी होगी, पोल पे ले लो। ओके एक रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है ये रे, तो ये नॉर्मल आपका ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से रे यहां से ड्रॉ कर दो तो ये रे हो जाएगी, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, सो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये पैरेलल रेज आ रही है तो ये कहां मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे, जहां कोई नहीं देखे वहीं मिलेगी, है ना, इसलिए हम कहते हैं पैरेलल रेज इन्फिनिटी में मीट करती है, तो दे विल मीट एट इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में मिलना यानी कि इमेज का साइज देख सकते हो कितना बड़ा होगा, है ना, ये समझ में आ गया। तो आपका जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवार्ड्स मिरर टुवार्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी कन्वर्जिंग जो रेज है वो धीरे धीरे कम कन्वर्ज यानी कि उनका कन्वर्जिंग एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा था, फिर धीरे धीरे इस तरह से हो रही है, जैसे ही फोकस से पहुंचे आप पैरेलल हो गए। ओके ओके सो इसमें आप अभी तक आपने क्या देखा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो इमेज हमेशा छोटी ही मिलेगी, है ना, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसमें फॉर्म होगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आई आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई और सेम साइज हो गई। ठीक है अब जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस की तरफ जाएगी ऑब्जेक्ट आपकी इमेज की साइज इंक्रीज होती जाएगी और मैग्निफाइड इमेज फॉर्म होगी, ये इस समय मैग्निफाइड इमेज, यहां से क्या होगा आपकी इमेज रियल तो है ही मैग्निफाइड तो है ही, मैग्निफाइड रियल है तो इन्वर्टेड भी है। ओके इस चीज में हाईली मैग्निफाइड हो गया, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है इन्फिनिटी पे और रियल होगी क्योंकि वो इन्फिनिटी मिल रहे हैं। ओके इन्वर्टेड
हाईली मैग्निफाइड, ठीक है। अब फोकस से आगे होने पे क्या होगा, देखो अब तो पैरेलल हो गई, अब तो इनको दूर होना है, ओके। अब ये हमारा लास्ट केस है, इस बार आपका ये तो है पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ओके ये है। अब जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस यहाँ रख लेते हैं फोकस का, ओके ठीक है। ये फिर से कॉन के मिरर ही है सारे, ये ड्रॉ करना जरूर करना एग्जाम में, ओके ये जरूरी है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस पे ऑब्जेक्ट था तब तो इन्फिनिटी पे हो रहा था, अब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ले लो, यहाँ ले लिया हमने मान लो, ठीक है। अब टू रेज होंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो कहां से पास होंगे, फोकस से हो जाएंगे, ओके सो इसको हम फोकस से पास करा देते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे आ गई, दूसरी ये कहां से ले, पोल से ले ले, दूसरी रे आपकी ये होगी, ठीक है, सेम एंगल बनाएंगे, ओके और ये रे आपका ऐसे हो गया। अब देखो ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है, तो हम क्या करेंगे इनको मीट कराने के लिए पीछे ड्रॉ करेंगे, है ना। और आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, रेड से ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हुआ ऑब्जेक्ट, ओके ये आपका इमेज हो गया ऑब्जेक्ट में, इमेज। तो अब क्या हो रहा है देखो, फिर से देख लो स्टार्टिंग से, बहुत बार स्टार्टिंग भी देख रहे हैं, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, इमेज पॉइंट, इमेज फोकस पे। अब जैसे जैसे वो पास आ रही है आपकी इमेज की साइज इंक्रीज होती जा रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर तरफ जा रही है, यहाँ आते ही आपकी दोनों साइज सेम हो जाएंगी। अब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका फोकस तरफ जा रहा है, ये साइज इंक्रीज होती जा रही है और फोकस पे आते ही वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो जाएगी मैग्निफाइड। अब फोकस से जैसे ही आगे जाएगी ना, इमेज वहां से यहाँ पहुंच जाएगी जस्ट फोकस के पास, जैसे फोकस थोड़ा सा इधर आएगी, ये भी थोड़ा सा फोकस इधर आ जाएगी, ओके थोड़ा सा इधर आ जाएगी, ओके अभी भी अब ये मैग्निफाइड तो है। अब जैसे जैसे ये फोकस से पोल की तरफ जाएगी, इसका साइज कम होता जाएगा और ये पोल पे आते ही दोनों सेम साइज हो जाएंगे। ये हम सेम डिस्टेंस पे ले रहे हैं फोकस पे, हम कर सकते हैं मेनी फोकस यहाँ होगा इसका कौन के में, लेकिन ये सेम डिस्टेंस पे है, ओके। अब इनको सबको क्लब करके एक बना लेते हैं, बस वो लास्ट है हमारा। हाँ क्या, अच्छा पोल पे मिल ली, अगर हम देखो अगर आइडियली देखा जाए तो अगर आप पोल पे ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो सेम साइज का इमेज पोल पे फॉर्म हो जाएगा, है ना सेम साइज का, हाँ। लेकिन पता है क्या है, पोल तो मिरर पे लाई कर रहा है, एक तरह से हम ऑब्जेक्ट वहां ले नहीं पाएंगे। आइडियली क्या है, सेम लोगो सेम ही हो जाएगी उसकी इमेज, तो हो क्या रहा है ये देखो, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इधर हम फोकस ये माना, फोकस पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके ओके रेड एंड ब्लू रेड, ओके ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है, इमेज यहाँ फॉर्म हो रही है पॉइंट, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ बढ़ रहा है, इमेज की साइज देखो ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, ओके ऐसे ऐसे, ओके जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचा, सेम साइज का फॉर्म हो जाएगा। सो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मूव कर रही है और इंक्रीज इन साइज हो रही है, सेम साइज हुआ, ठीक है। अब जैसे जैसे ये सेंटर ऑफ पोल की फोकस पर जा रहा है, आपकी इमेज की साइज इंक्रीज होती जा रही है और ये ज्यादा दूर होते जा रहा है, ओके यानी कि जितनी देर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है उतनी देर में ये इमेजेस इन्फिनिटी पे पहुंच गई है, यानी कि इतना सा डिस्टेंस है यहाँ पे, इतना डिस्टेंस बाद में फॉर्म हो रही है, ओके ये इंक्रीज होती जा रही है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे आया, पैरेलल रेज हो गई, आपकी इमेज इन्फिनिटी पे हो गई,
अब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट फोकस से पोल की तरफ आना चालू हुआ, आपकी इमेज जैसे फोकस से थोड़ा सा इधर आया, आपकी इमेज यहाँ आ गई और मैग्निफाइड हो गई। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा है, ओके, ये ऑब्जेक्ट आपके पोल की तरफ जा रहा है, आपकी इमेज पोल की तरफ जा रही है, इधर ही पोल की तरफ जा रही है और ये डिमनीज इन साइज हो रही है, ऐसे ऐसे साइज डिक्रीज हो रही है। कि जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, इमेज आपकी यहाँ आ जाएगी, पोल पे पहुंचते ही ये यहाँ आ गई सेम साइज। समझ में आया ये? तो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे से आ रहा है, ओके, ब्लैक आ रहा है, ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज, और इंक्रीज हो रहा है सेम साइज सेम साइज। फिर ये इधर मूव कर रहा है, ये इंक्रीज इन साइज होती है, इन्फिनिटी में फॉर्म हो गई, फोकस पे पहुंचते ही, फोकस से जैसे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, इमेज यहाँ, मैग्निफाइड इमेज, और ये वर्चुअल इमेज आप। तो फोकस और पोल के बीच में इमेज हमेशा वर्चुअल फॉर्म होगी ऐसे से, ओके, कि ऑब्जेक्ट ऐसे है, ओके, ऐसे ऐसे इमेज आपकी सेम साइज की जाएगी पोल पे आते। ये है कॉनकेव मिरर का। ये समझ में आ गया? ये देख लेना अच्छे से। तो हम आज यहीं पे रोकते हैं फिजिक्स का, ओके, एक सेकेंड।